हाँ जी, सिक्स क्लास। प्लेसिंग और सॉर्टिंग थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। हम जो है चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे दो लार्ज स्केल पे आप पढ़ते हैं, अगर हम देखें तो जब भी हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं, हम कहते हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में अलग चीज़ें आ जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में अलग आ जाती हैं। अब क्यों होता है ये? ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू फाइंड थिंग्स व्हेन वी नीड देम। ग्रुपिंग से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं हमें चीज़ को फाइंड आउट करना, मतलब निकालना, व्हेन वी नीड देम, जब हमें ज़रूरत हो। इसका एक और चीज़ भी है, इसको ना हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब मान लो हमें एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, काओ की करेक्टरिस्टिक्स, डॉग की करेक्टरिस्टिक्स, एलिफेंट की करेक्टरिस्टिक्स, सबकी करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी ना। तो जब मैंने एनिमल्स की पढ़ ली, तो समझ लो मैंने डॉग की भी पढ़ ली, मैंने कैट की भी पढ़ ली, मैंने काओ की भी पढ़ ली, तो ये आसान हो जाता है, उनके बारे में जानना आसान हो जाता है जब हम क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग करते हैं। अब आपका पूरा ये है कि हम ग्रुपिंग किस किस बेस पे करते हैं, ये है आपका। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं। वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब एक मटेरियल से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे आप वुड लो, हम वुड का लकड़ी का दरवाज़ा भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, फर्नीचर भी बना सकते हैं, अलमीरा भी बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अलग अलग मटीरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वी हैव टू चूज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी विद द राइट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन वट वी वॉन्ट टू यूज़ इट। और कहते हैं हमें जिस भी जो भी चीज़ बनानी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम मटीरियल देखेंगे और उस मटीरियल की प्रॉपर्टी देखेंगे। अब जैसे मान लो मुझे अलमीरा बनानी है, अलमीरा मुझे बनानी है, तो मुझे पता है मैं अलमीरा वुड की भी बना सकती हूँ, मैं प्लास्टिक की भी बना सकती हूँ और मैं आयरन की भी बना सकती हूँ। तीन चीज़ों की मैं बना सकती हूँ, राइट। अब अगर मेरे यहाँ दीमक टर्माइट ज़्यादा है तो मैं वुड की नहीं बनाऊँगी, और अगर मुझे ड्यूरेबल चाहिए, वो लंबे समय तक चले और उसमें ज़्यादा सामान आए, तो मैं किसकी लूँगी, आयरन की लूँगी। तो वो प्रॉपर्टीज़ देख के हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन मान लो मुझे शिफ्टिंग ज़्यादा करनी होती है, मैं भारी नहीं ले सकती, तो मैं प्लास्टिक की लूँगी जो ड्यूरेबल होगी, लाइट वेट होगी, जिसको कैरी करना ईजी हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है जो भी चीज़ हमें बनानी होती है ना, वो जिस मटीरियल, उस चीज़ की क्या प्रॉपर्टी है और वो मटीरियल, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अब आपकी बुक क्या कह रही है, फॉर एग्जाम्पल द चॉक मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक वुड नॉट बी यूज, नो यूज़। अगर आप चॉक लकड़ी का या प्लास्टिक का बनाएंगे तो उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो उससे हम ब्लैक बोर्ड पर तो लिख नहीं सकते। तो इसीलिए मटीरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे रफनेस, लश्चर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे।